नहीं पहुंचेंगे। सदगुरु रहे, सदगुरु को जो ठौर बनाना है उस ठौर में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? है सभी पहुंचेंगे। तूने क्या फैसला किया है कि मिनी मधुबन में नहीं रहूंगी, सरेंडर होके? अच्छा जो ठौर का बात बताया ना, तो मतलब जो 18 में श्री कृष्ण के जन्म के बाद जो आई, मतलब उसे पहले होना चाहिए ना? क्यों सदगुरु उसके बाद नहीं होगा? शांति धाम का भी लोप हो जाता है क्या? जितने जो बात कर रहे हैं, शांति धाम का भी खाली होता है क्या? खाली तो होता नहीं। आगे चलकर देखा टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, इस समय कब के लिए? नंबर वार के लिए लगता है ना, के लिए टू लेट का बोर्ड कब लग गया? जब 10 साल की घोषणा की थी जब के लिए, तो टू लेट का बोर्ड लग गया। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, पांचधारी, उनके लिए टू लेट का बोर्ड कब लग गया? ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है, ये तीनों पाठधारी मूर्तियां कौन है, उनके अलावा वो कोई और दूसरा चौथा नहीं बन सकता? वो टू लेट का बोर्ड लगा या नहीं लगा? हाँ ना, कुछ भी करो है? लगा तो है, लगा तो है, लेकिन समझ में तो आया नहीं। पार्ट फिक्स हो गया उनका, तीन मूर्ति का पार्ट, तीन मूर्तियों का पार्ट तो फिक्स हो गया। अब कोई चौथा व्यक्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट धारी बन नहीं सकता, तो टू लेट का बोर्ड लग गया। ऐसे ही जो आठ है वो आठ भी प्रत्यक्ष होने हैं, उनका भी टू लेट का बोर्ड लगेगा। फिर कोई नौवीं आत्मा ऐसी नहीं होगी जिसका नंबर लगे। ऐसे ही 12-12 के और ग्रुप है ना, वो भी प्रत्यक्ष होते जा रहे हैं नंबर वार। जैसे दुनिया में जो जो धर्म आए हैं वो नंबर वार आए हैं, ये एक साथ आ गए नंबर वार दुनिया में आते प्रत्यक्ष हुए ना, तो ऐसे यहाँ जो माला भी प्रत्यक्ष होगी वो नंबर वार प्रत्यक्ष होगी कि एक साथ 108 और 16,108 और 9,00,000 प्रत्यक्ष हो जाएंगे। नंबर वार प्रत्यक्ष होते जाएंगे। एक बार बोला कि बाप के साथ जाना है, तो बाप के साथ माउंट आबू में जाना है या राम राज्य जब आएगा उसके साथ बैठना है? बाप के साथ साथ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बाप के साथ साथ? तुमने मुरली में क्या पढ़ा? मुरली में तो यही पढ़ा कि इसी शरीर से और यही पर ही राम राज्य की स्थापना होगी, तो उसके साथ साथ बाप के साथ। और ये नहीं पढ़ा कि पहले शांति धाम जा देंगे कि पहले सुख धाम आ जाएंगे? वो तो एक सेकंड के लिए है, कोई आधा घंटा के लिए, कोई 10 मिनट के लिए, कोई 2 दिन के लिए। हाँ तो जा देंगे पहले कहाँ? जो भी 500 करोड़ है वो पहले कहाँ जा देंगे? शांति धाम जा देंगे पहले, शांति धाम पहले। घर में जाओ, बाप के घर में जाओ, तो बाप के वर्दी के अधिकारी बनोगे। बाप के घर में जाके तो परिपूर्ण आत्मा ही नहीं बने, रूहानियत तो पक्की धारणा ही नहीं थी, तो वर्षा कहाँ से मिल जाएगा? तो वो शरीर नंबर वार बर्फ के चलेंगे, तो वो तो शरीरों की बात थोड़ा ही हो रही है, तो आत्मा की बात हो रही है। आत्मा जो ऊपर जाएगी तो शरीर क्या होगा? फिर ऊपर जाएगी। ब्रह्मा कुमारी है ना, ब्रह्मा कुमारी बुद्धि में सबकी यही बैठा हुआ है कि आत्मा ऐसा ऊपर जाएगी। बाबा ने बल बोला है मुरली में कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। कोई राम राज्य उनके अंदर राम राज्य की स्थापना, वो राम राज्य, वो राज्य थोड़ा ही है कोई, वहाँ राज्य करने की किसी की इच्छा नहीं होगी, सब शांत में बैठे हुए होंगे, कोई एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा। कंट्रोल करने की इच्छा नहीं होती, कंट्रोल करने की इच्छा यहाँ इस दुनिया में होती है, वहां तो सब आत्मा आत्मा भाई भाई, एक बाप दूसरा न कोई। आवाज आती है।
झाड़ू लेकर के दोनों हाथों में पड़ी हुई ऐसे आया एडवांस में प्रकृति झाड़ू लेकर के एनएस में खड़ी जो झाड़ू लेके खड़ी होगी वो झाड़ू लगाने का काम रानी का होता है या दासी का होता है झाड़ू कौन लगाती है तो वो नए संगठन में होगी नए संगठन में पहले दास दासी चले जाएंगे पूछ रही है एडवांस में अच्छा एडवांस में तो सब तरह की कौन है एडवांस में तो सब तरह की है प्रकृति झाड़ू लगाएगी प्रकृति का जो मुख्य रूप है वो कौन सा है प्रकृति के पांच रूप है कौन कौन से पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश उनमें ऐसा रूप कौन सा है जिसमें पांच रूप बराबर बराबर समाये हुए हैं लगभग समान बराबर है हवा में सब रूप है हवा में प्रकृति बराबर है लगभग बराबर है अच्छा ऐसा दुनिया में शहर कौन सा है जिसमें सब धर्म समाये हुए हैं दिल्ली और धरती है दिल्ली शहरों में धरती बच्चों तो ऐसे ही एक पृथ्वी तत्व ऐसा है जिसमें सात तत्व ज्यादा से ज्यादा तादाद में समाये हुए जैसे दिल्ली में सब धर्म ज्यादा से ज्यादा तादाद में इकट्ठे हुए पड़े हैं और दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं है दुनिया में और कोई ऐसा शहर नहीं है सिर्फ एक दिल्ली है तो पता चला प्रकृति कौन हुआ तुम्हारा यही तो प्रश्न है कि वो दोनों हाथों में झाड़ू लेके कौन खड़ी हुई है कौन है नहीं पता चला अरे पता चल जाना चाहिए अच्छा दिल्ली कौन है मम्मी जिसकी गोद में सब धर्मों ने राज किया है मम्मी मम्मी भी तो दो है जब बप्पा दो है मम्मी भी दो है बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी हाँ बड़ी मम्मी जो है वो पृथ्वी का रूप ही है कृष्ण बच्चा किससे पैदा होता है फिर बोली रहा नहीं जाता छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़ी मम्मी से कृष्ण बच्चा पैदा हुआ संगमी भी कृष्ण कहाँ से पैदा हुआ बड़ी मम्मी से पैदा हुआ तो पृथ्वी से ये चंद्रमा उपग्रह बन के अलग हो गया क्या जब विनाश होगा तो ये जो उपग्रह है वो सारे ग्रहों में मिल जाएंगे अभी आसपास घूम रहे हैं जब अलग होगा तो वो हिस्सा प्रशांत महासागर बन जाता है भारत ज्योति दुनिया है ना इसकी बात पूरी होने में समझ में आ गया ये झाड़ू लो के दोनों हाथों में कौन खड़ी हुई है नहीं आया नहीं समझ में आया अभी है दोनों हाथों में झाड़ू एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड राइट हैंड का भी झाड़ू है और लेफ्ट हैंड का भी झाड़ू है झाड़ू लगाने के बाद और झाड़ू लगाने से पहले झाड़ू कहाँ रखा जाता है कोने एक कोने में कहीं पड़ा रहता है अभी झाड़ू लगने वाला है कहीं एक कोने में पड़ा होगा दोनों झाड़ू कोई किसी कोने में कोई किसी कोने में पड़ा होगा जब झाड़ू लगाएगी लेकिन अभी तो बता दिया है दोनों हाथों में तैयार खड़ी है माने वो झाड़ू जो है चैतन्य होंगे या जड़ होंगे चैतन्य झाड़ू होंगे वो दोनों झाड़ू जो है
वो उसकी मुट्ठी में है। किसकी मुट्ठी में? हाँ, जब जाएगी तभी धा धा शुरू कर देगी, कीड़े मकोड़े सब सब या तो भाग खड़े होंगे या तो फिर खराब हो जाएंगे। कहाँ होंगे वो कीड़े मकोड़े? है पहले बेसिक में सफाई होगी कि पहले एडवांस में होगी? पहले घर से सफाई शुरू होती है। अभी भी नहीं समझ में आया कौन है? मम्मी बड़ी मम्मी। हाँ नया संगठन, एंड माने नया, एस माने संगठन। क्या? अरे बाबा ने अभी तुम्हारी में बोला भी नहीं, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। 12-12 के कितने ग्रुप हैं? 9 धर्मों के 12-12 के ग्रुप हैं ना, तो सारे इकट्ठे प्रत्यक्ष हो जा रहे हैं कि पहले कोई पहला प्रत्यक्ष होगा? नंबर वालों तो कौन सा पहले प्रत्यक्ष होगा? पहले कौन सा संगठन तैयार होगा? इस्लामी बोलते जो सूर्यवंशी होंगे उनका संगठन पहले तैयार होगा, उसको कहेंगे नया संगठन। बाकी बाद में जो आएंगे वो सब हो जाएंगे नंबर वार पुराने। इनमें आने वालों की निशानी हो? इस संगठन में आने वालों की कोई निशानी? बाप की पहचान कर ली। क्या? बाप की पहचान तो सभी को है। बाप की पहचान तो सभी को है, कोई भी विशेष ना उनको पहचान। मुख्य परीक्षा कौन सी है? मुख्य परीक्षा है, उसमें वो पास हुए दिखाई पड़े हो, पत्ते हो? हुआ है? जब तो वाणी में बोला कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा ने दी है ना, नहीं बोला? तुम पढ़ते ही नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। अब तो वाणी नहीं पढ़ते है, सुनते हैं पढ़ के एक काम समझो निकाल लेते हैं। बहुत बार तो एडवांस की कैसेट में ही सुन लिया, वो एडवांस की कैसेट भी नहीं सुन रहा लगता है, याद क्यों नहीं रहता? पर छोड़ना पड़ेगा जो बोलते हैं ना, आगे चलकर मदन वालों को मदन छोड़ना पड़ेगा, पड़ेगा माने जबरियन छोड़ना पड़ेगा, न छोड़ना चाहे तो भी छोड़ना पड़ेगा। बोलता अरे हमारा 10 लाख रुपया इस बैंक में जमा है, 5 लाख रुपया उस बैंक में जमा है, हमने निकाल तो ले, तब भागे यहाँ से। नहीं है मतलब बेसिक में तो हो गया, एडवांस में भी कहीं है इसका? बेसिक में होगा, बेसिक में रहेगी। सब कामों की शुरुआत पहले कहाँ से होगी? एडवांस में होगी। विनाश होगा तो पहले शुरू कहाँ से होगा? स्थापना होगी तो पहले शुरू कहाँ से होगी? पालना होगी तो पहले शुरू कहाँ से होगी? अच्छा, बेसिक में हो रही है, उनका विनाश होगा हम बच जाएंगे? नहीं अंदर से होगा। दिमागों में का है ना, वो तीन भी देखा है, सात भी देखा है, क्यों बाबा? क्या देखा? पांच बुक दिखाया ब्रह्मा का, पांच बुक दिखाया, पिछला वाला दिखाई नहीं पड़ता? दो इधर है, एक सामने है, तो सामने से कोई देखा तो पीछे दिखाई पड़ेगा, इसलिए तीन दिखाते हैं। और क्या बाबा? मैंने आपको कल पूछा किता को जमा पिता है ना, माया बेटी जब माया बेटी एनएस का माया बेटी जब सिलेंडर होगी तब सब मन बुद्धि से सब सिलेंडर होगा, अभी तो मन बुद्धि से कोई सिलेंडर नहीं हुआ। बस मैंने आपको पूछा था, आपने मुझे कल जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब क्यों नहीं दिया ना? तो तू सरेंडर हो जा मन बुद्धि,
माया बेटी जब खेलने लगा तब से सिलेंडर हो जाएगी ना। माया बेटी को नहीं बाबा, जब वो सिलेंडर होगी तब तब सिलेंडर हो जाएगी। कोई बेटी होगी जो यज्ञ में कैसी होगी? अरे ये बाप का पार्ट नहीं हो सकता, तो उसको सब खालू करते होंगे। अरे जब इतनी बड़ी है बेटी बाप की कह रही है कि वो बाप का पार्ट नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता, तो सबको अनिश्चय आ जाता। जब अनिश्चय आ जाएगा तो बुद्धि से कोई सरेंडर होगा? फिर एडवांस पार्टी वालों को भी अनिश्चय पैदा होता रहता है। माया बेटी के कारण से अनिश्चय पैदा होगा। वो किसी को निश्चय बुद्धि बनने ही नहीं देती, कोई ना कोई बेलन डाल देती। माया कहती है, माया रावण कहता है ये भगवान नहीं हो सकता, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही त्रिमूर्ति देवता, त्रिमूर्ति शिव भगवान हूँ, कोई अलग से त्रिमूर्ति शिव भगवान नहीं। पोस्टर भी छपाते होंगे वो काहे के, त्रिमूर्ति शिव भगवान बनने के पोस्टर भी छपा छपा के टांग देते हैं दीवारों में, ताकि लोग समझें कि त्रिमूर्ति शिव भगवान कौन है। ऊपर शिव निराकार ज्योति बिंदु और नीचे तीन मूर्तियों के चित्र छपा देते हैं, उनमें सबसे ऊपर वाली मूर्ति होगी कोई नहीं समझ में समझ में आया कि नहीं? तुमने पोस्टर नहीं देखे? यहाँ मेगा प्रोग्राम नहीं हुआ कभी? देखा। अच्छा तुमने देखा, यहाँ मेगा प्रोग्राम हुए कभी? सिलीगुड़ी में या इधर कहीं मेगा प्रोग्राम हुआ ना? तो जो मेगा प्रोग्राम हुआ उसमें पोस्टर उससे छपाई गई नहीं? छपाई गई। उसमें तीन मूर्तियां कोई छपाई गई? फिर उन तीन मूर्तियों कोई सबसे ऊपर रखी गई, कोई बीच में रखी गई, कोई नीचे रखी गई, तो सबसे ऊपर वाली कौन हुई? तो ऐसे बता रही है। लेकिन मैं यही बोला है, जब मैं बेटी सिलेंडर होगी मन बुद्धि से तब सब सिलेंडर हो जाएगी। हाँ तो वो क्या एडवांस ज्ञान को मानती है, सरेंडर हो गई? अभी तक मैं बेटी सिलेंडर नहीं हुआ ना। वो जो तीन मूर्तियों की ये बात कर रहे हैं, ये तीन मूर्तियों में से कोई मूर्ति सरेंडर हो गई क्या? नहीं, एडवांस की कोई बात नहीं मानते, सरेंडर का होगी बात ही नहीं मानते। प्रैक्टिकल में चलने की तो बात बहुत, वो अंदर से समझते तो है, इससे मतलब नहीं है। वो है ही माया बेटी, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अंदर से जानती है हाँ यही भगवान का पार्ट। रावण क्या कहता था? समझता था रावण, जानता था कि यही राम है, यही भगवान है। लेकिन फिर राजा मैदान में पहले लड़ाई लड़, फिर अगर जीत जाए तो तू भगवान, हार जाए तो वही भगवान रहूंगा। लेकिन आखिरी जीत तो वही लगा। वो आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ आगे की बात आगे देखी जाएगी। अष्टदेव है उसकी मतलब मन, ये माया सिलेंडर जब होगी तब अष्टदेव पीछे मतलब उसकी बुद्धि मतलब क्या मन वो मतलब सिलेंडर बाद में होंगे, मतलब मन बुद्धि से सिलेंडर बाद में होंगे। अष्टदेव जो है वो अष्टदेव है, वो कोई उनको ये टाइटल थोड़ी दिया जाएगा कि वो बाप के फ्रंट में कभी रहे हैं। वो अष्टदेव है, आखिरी जन्म में आके नीचे गिरते हैं, माने माया के चंबे में आते हैं कि नहीं आते हैं? जब माया के चंबे में आते हैं तो वो कोई माया से टक्कर लेनी होगी थोड़ा ही है। आखिरी तक माया से टक्कर लेने वाली एक ही आत्मा है, कौन है? जिसमें मुकर रूप से प्रवेश होता है। मुझे प्रत्यक्षता के लिए बोला ना कि कलकत्ता में ही प्रवेशता हुई थी, हर एक पास में, हर एक पास की अगस्त वाणी में कहा कि अगस्त प्रवेशता भी कलकत्ता में ही थी और प्रत्यक्षता भी कलकत्ता से ही होगी। तो फिर ये बात क्या दिल्ली से होगी या फलकाबाद से या कंप्यूटर? जब बोला है तो फिर जुलरानी की बात क्या बोला है तो वहीं से होगी। नहीं कलकत्ता से किस तरीके से है ना, तरीका क्या होगा तो अपने अनुसार देखना। वहाँ पे महाकाली का मंदिर है, भूतनाथ का मंदिर है, बड़ी यादगार है, सब है। बाबा का जो भूतनाथ का रूप आप दिखाया गया है, तो ये भूतनाथ का रूप में हमारे यहाँ क्या इसके बारे में कुछ क्यों? और नेपाल में पशुपतिनाथ है जैसे, जब नाम ही है भूतनाथ, पशुओं का नाथ, जानवरों का नाथ, तो नाथेगा ना।
बिना नाते कैसे नाथ बन जाएंगे? तो बाहर जो बोले ना बाबा एडवांस के जो जो सिटी के रूम में सेंटर खोलेंगे मिनिमम रूम खोलेंगे, ये कहाँ से? इसके नेपाल का भी तैयार कर रहे हैं। ये कहाँ के सुने कहाँ के बारह ही मानेंगे बोल के बारह जो सिटी लिंग याद कर रहे हैं तो उसे पशुपतिनाथ भी है नेपाल में। हाँ ठीक है, पूरे नेपाल में भी तो कोई तो इसका होगा। हाँ जी दूल्हा गाड़ी खोल लो, हिम्मत करो। हाँ भाई तिरुमति का एक्यूरेट चित्र जो है ना है वो अभी तक क्यों ना क्यों नहीं निकाले बोल के प्रश्न आया है मुरली में है, क्यों नहीं निकालते? तो इसके विषय में जैसे एक्यूरेट चित्र तो जो हमारे दिमाग में आ गया है जब एडवांस ज्ञान मिल गया है तो किसके लिए बताया बाबे? आपने तो मुरली को डायरेक्शन भी दे दिया कि तिरुमति का चित्र वास्तव में एक्यूरेट है नहीं, तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का एक्यूरेट चित्र क्यों ना निकाले? तो निकाला तो ब्रह्मा उसको चित्र लगा निकाला ज्ञान के भाइयों ने निकाला, वो हैदराबाद वालों ने निकाला, उसने विष्णु के ऊपर तो सवालिया निशान लगा दिया, तो एक्यूरेट क्या हुआ? बड़े बड़े चालीस इंच का चित्र बनाने बोले हैं, बड़े बड़े चालीस इंच का चित्र बनाने बोले बनाओ। इसका अर्था यही हुआ बाबा कि स्कूल में बड़े बड़े चित्र जो तिरुमूर्ति का एक्यूरेट चित्र है वो भी हमारे दिमाग में आ रहे हैं, हाँ उसका बना के रख दे बना और उसका सेवा करें। यही बनाए क्यों नहीं? यही सोच रहे हैं कि मतलब कहीं ज्ञान के हिसाब से या स्कूल में मतलब सोच रहे हैं बाबा चित्र बनाओ, बड़े बड़े चित्र भी बनाना है, चित्र बनाओ तो बड़े कार में लगाना है, चित्र बनाओ तो पहले स्थूल रूप में भी बनेगा तो सूक्ष्म रूप में बुद्धि में भी पक्का पक्का निश्चय बैठ जाएगा। पहले पक्का निश्चय है तीन मूर्तियों का, जो तीन मूर्तियां होंगी उन्हीं की टुकड़ी में बैठेगा या कोई दूसरी मूर्ति में बैठेगा? तो मूर्ति शिव का पक्का निश्चय है, पहले किसकी बुद्धि में बैठेगा? पहले तो जो बनाएगा है, जो बनाएगा बनने वाले का, जो बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में पहले बैठेगा है, उसके बाद जो उनके नजदीकी होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा। तो बाबा ये बात होता है ना इसमें जो लौकिक हिसाब से जो भी इसमें हो रहा है अभी जैसे हमारा ऐसा क्यों मुंडली पढ़ते हैं, हमारा ये चित्र क्यों प्रयोग करते हैं, ये सब बात है ना बाबा, इसी इस हिसाब से फिर हम लोग ने चित्र बना के रखने शुरू कर दिए, फिर उसके बाद फिर मामला तो उनके अगर चित्र हैं वो कहते हैं ये चार चित्र हमारे हैं है, तो फिर इनको क्लैरिफिकेशन दो ना, जो तुम्हारी चीज है तुम उसका क्लैरिफिकेशन दे सकते हो ना, दो। सबसे तो वो लोग तो बोलते ही है, तो जैसे शंकर के पाठ में भी वो लोग तो विवाद करते हैं कि शंकर तो स्कूल में तो नहीं होता है, तो सूचना नहीं होता है, ये पूजा कैसे होती है मंदिरों में? वो लोग ऐसे मतलब मंदिरों में मूर्तियां वगैरह उन्हीं की बनाई जाती हैं जो पहले होकर के गए हैं, नेताओं के चित्र बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो किस लिए बनाई जाती है? पहले होकर के कुछ करके गए हैं तभी तो बनाई जा रही है। तो सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी मिल रही है? शंकर की मिलेगी नहीं, मिल रही है, जिसकी सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली है उसको तुम कैसे उगा दोगे? उगा दोगे सर, तो बोलते हैं कि जब शरीर छोड़ के जाएंगे तब एडवांस पार्टी होगी, उधर में बोलते हैं एडवांस जब शरीर छोड़ के जाएंगे इधर से बड़े बड़े तो उधर में आधे कमाने में, तो बोला उनके परिवार में तुम जाओ या ना जाओ, क्या एडवांस पार्टी वालों के परिवार में तुम जाओ या ना जाओ, वो समय पर अपना तीव्र गति से काम करेंगे। तो परिवार के सूक्ष्म मतलब नहीं होता फिर, और सूक्ष्म मतन को तो मुरली में उड़ा दिया, सूक्ष्म मतन कुछ होता नहीं, ऐसे बोल दिया बाबा। ये सब बात जो हमारे ज्ञान के हिसाब से चलने से तो ये क्लियर हो जाता है, लेकिन वो लोग यही प्रश्न करते हैं कि वो लोग जो लौकिक आदमी लोग हैं उसको ले आते हैं और उन लोग को तो ज्ञान के बारे में कुछ राज पता नहीं होता है, तो उसके बाद उन लोग से कंपटीशन करके हम लोग जो ज्ञान के हिसाब से टकराव करते हैं, तो लोग है। मुरली को साइड रखो और यहाँ पर नियम और कानून का बात करो, इससे नियम कानून किसने बनाए? तुमने बनाए कि तुम्हारी बीबी दादी या दादा ने बनाए?
लौकी के रूल है सरकारी रूल है सरकारी रूल किसने बनाए? ये मनुष्य ने बनाए या भगवान ने बनाए? और ये तो कहते हैं हमारे भगवान ने बनाए, तो तुम अलग हमारे काम में तुम पाँव मत अड़ाओ, तुम जानते नहीं भगवान। इस जो धर्म के विषय में जो टाइम दिया है ना, जितने भी धर्म है जैसे आदि से जैसे क्रिश्चियन धर्म का 2000 वर्ष का पीरियड है बोल के, तो ये कब से गिना जाए बाबा? जैसे अभी हम लोग तो समझते हैं कि जब से ईसवी समझ शुरू हुआ है वहाँ से जैसे क्रिश्चियन का धर्म का शुरू हुआ है, जब से ईसवी समझ शुरू हुआ, तो इस हिसाब से अब तो 2006 से ऊपर चले जा रहा है। नहीं अभी भी क्रिश्चियन धर्म समाप्त नहीं हुआ ना, जैसे बोला है 2000 वर्ष क्रिश्चियन धर्म का आयु, तो किस हिसाब से इसको गिना जाए? जैसे अभी तो 2006 हो रहा है, जिन लोगों ने वो तारीख निश्चित की है कि इस 2000 साल पहले क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो तारीख गलत लग गई है, उसमें कुछ वर्षों का हेरा फेरी है उसमें, जो अभी दो हजार चल रहा है, आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट का जन्म दिखाते हैं ना, तो क्राइस्ट का जन्म उनको एक्यूरेट पता नहीं चला है, उन्होंने ऐसे ही अंदाजिया रख ली है, जब टाइम आएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो यही समझना पड़ेगी जब से अभी धर्म समाप्त हो जाएगा है, तो उस हिसाब से 2000 में कम्प्लीट हो जाएगा। हजरत रहे नमूसा दादा, एक बात, जैसे अभी हमारे समय में जो लिख दिया है ना 2000 वर्ष तब चलेगा, ये 2000 वर्ष का एक्यूरेट टाइम तो अभी क्लियर नहीं हुआ इसका है, अभी एक्यूरेट क्लियर नहीं है कब से शुरू हुआ और कब समाप्त हो रहा है 2000 वर्ष कब समाप्त हो रहा है? जैसे क्राइस्ट से 2000 क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था, हाँ, तो पैराडाइज तुमने पता नहीं लगा कि कब स्थापन होना है? तो पहले नहीं स्थापन होना एक्यूरेट की बात हो रही है, शुरू हो चुका विष्णु को राज आ गया, विष्णु का आता पता कुछ भी नहीं है कहाँ है, जैसे अभी पाठ के हिसाब से तो अभी तो जो एडवांस में है जो बाप के पावा ना ले रहे हैं अभी, तो ऐसे जैसे बाबा ने बोला टाका पावाना बोल के जो बोला ना, वो संगम युग में जो अभी डायरेक्ट बाप का जब परिचय मिला अम्मा का बाप का, अभी तो हम लोग ज्ञान के हिसाब से तो लौकिक माँ बाप की बात नहीं है, अभी साकार बाप मिल गया हम लोग को, और अभी पालना जब से हमको प्रत्यक्ष पालना शुरू हो रहा है, बाप से राय लेना, बाप से चलना, बाप से पूछना, खान पीन सिलेंडर जो हुए हैं बच्चे लोग, तो अभी तो डायरेक्ट उसका तो एक हिसाब से सत्य शुरू हो गया ना बाबा ने, क्योंकि डायरेक्ट माँ बाप का पालना ले रहे हो, डायरेक्ट पालना तो ले रहे हैं लेकिन पूरी सेवक में चल रहे हैं, तो जब बाबा को पूरी तरह से सरेंडर हो गया ना बाबा, कागज से सरेंडर हो गए या मन बुद्धि और वाचा से और कर्मेंद्रियों से सरेंडर हो गए? वो तो सरेंडर तो पता नहीं, जितने सरेंडर हुए उतनी प्राप्ति होगी। बाबा तो प्रश्न करते हैं जब हेवनली गॉड फादर तुम्हें मिल गया तो हेवन में होना चाहिए, करोड़पति बाप का बच्चा बन गया, बाप के घर में जन्म ले लिया, तो बच्चे को कोई तकलीफ होनी चाहिए? फिर अगर कोई बच्चा तकलीफ है, पैसे पैसे के लिए मोहताज है, तो काम क्या हो सकता है? हाँ, करोड़पति बाप के बच्चे, बाप का बच्चा बना तो गोद तो ली,
लेकिन पूरी मत पर नहीं चलता है तो बाप उसे बात कहेगी नहीं देते प्रेम कांता बाला का पदस्थ होने के बाद आएगी या आगे आएगी प्रेम कांता आ नहीं चुकी ये की क्या आदमी तो आ चुकी आदमी में तो प्रेम कांता थी ना आई थी फिर चली गई अभी फिर आएगी बाबा का पदस्थ हो जाए हो चुका हो जाएगी तो आएगी की बाबा का पदस्थ होने के आगे आएगी नहीं महाकाली जो प्रत्यक्ष होगी तो वो सफेद को प्रत्यक्ष करेगी या काले को प्रत्यक्ष करेगी है? महाकाली है किसकी युगल भूत नाम महाकाल की युगल है ना तो वो अपने पति को प्रत्यक्ष करेगी या पार्श्वनाथ को प्रत्यक्ष करेगी है अपने पति को करेगी अपना उसका पति तो महाकाल है कालों का काल है काला जब बात करूँ महाकाल होगा तभी वो प्रत्यक्ष होगी उसके हाँ वो होगी प्रत्यक्ष लेकिन वो गोरे को प्रत्यक्ष करेगी या काले को प्रत्यक्ष करेगी काले को प्रत्यक्ष करेगी तो काले को अगर दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करेगी तो कोई भगवान मानेगा नहीं कोई मानेगा जो मानने वाले हैं वो भी भाग जाएंगे तो इसका मतलब काली बाबा का पदस्थ होने से आगे आएगी पीछे आएगी बाबा की प्रत्यक्षता तब होगी जब बाप के बच्चे बाप की महिमा करेंगे महाकाली जो है वो काली बातें बताएगी या गोरी बातें बताएगी काली बातें बताएगी खुद काली है कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि खुद काली है तो भगवान भी उसको कैसा दिखाई पड़ेगा काला ही दिखाई पड़ेगा तो काले कर्म प्रत्यक्ष करेगी गोरे कर्म प्रत्यक्ष करेगी नेपाल में इसको क्यों महाकाली है कलकत्ता में तो ये रूप हो गया है नेपाल नेपाल लेकिन नेपाल में तो ऐसा कोई याद है नेपाल पूर्वी जोन नहीं है पूर्वी जोन तो वहाँ भी तो महाकाली का है महाकाली मंदिर बहुत बड़ा वहाँ तो बहुत बड़ी होती है बहुत खून रहता है काले कर्म करेगी किसी को बताएगी नहीं बाप को नहीं बताएगी तो प्रत्यक्ष होगी नहीं होगी काले कर्म करे लेकिन है लेकिन बाप को नहीं बताए दुनिया को नहीं मालूम होने दे तो आखिर प्रत्यक्ष होगा कि नहीं संसार के सामने किसी की छुपी रह जाएगी क्या छुपी रहेगी किसी की छुपी नहीं रहने वाली तो ये कैसे तुम्हें बोले कि तुम्हारा ना वो पूरा वो सीढ़ी खोल देंगे उतना वो फोटो निकालेंगे सारा साक्षात्कार करा देंगे तुम्हारे कर्मों का पूरा का पूरा वो नहीं मानेगा तो साक्षात्कार भी कराएंगे सब देखेंगे त्रेसठ धर्म का या एक धर्म का सारा ही साक्षात्कार करा देंगे कोई कहे हमने ऐसा काम नहीं किया झूठ बोलता है झूठ तो झूठ बोलता है बाप को साक्षात्कार करा दी ना नारायण ने तो पूरा पूरा लगा लगा के दिया लक्ष्मी ने लेकिन हाथ क्यों लगाया क्या लगाया हाथ क्यों लक्ष्मी नारायण को पूरी बाजू का कुर्ता दिखाया है नारायण को पूरा दिखाया है अच्छा अच्छा तो उन्होंने कपड़ा पूरा पहना हुआ है और लक्ष्मी को कपड़ा पूरा पहनना चाहिए उन्होंने आधा पहना हुआ है बाजू में अच्छा जी हनुमान ज्यादा किसमें होता है लक्ष्मी में होता है या नारायण में ज्यादा होता है नारायण में तो उन्होंने पूरा पहना हुआ जो पुरुषों में ज्यादा देह अभिमान होता है कि कन्या माता में ज्यादा देह अभिमान होता है पुरुषों में ज्यादा होता है इसलिए उनको पूरा दिखाया गया देह अभिमान रूपी कपड़ा हुआ ना वो कपड़ा कैसे वो देह अभिमान कैसे दिखाए तो उन्होंने कपड़ा दिखा दिया हाँ
हो रहा है अच्छा चलो ठीक है जैसे आजकल वो परीक्षा होने वाली है तो यही कहें तो फाइनल परीक्षा हो रही है यही कहा गया हाँ जी हाँ जी हाँ जी हो रहा है का मतलब होने वाला है ऐसे कहने में कह दिया जाता है दो चार रोज में फाइनल पेपर होने वाले होते हैं तो कहते देखो भाई होशियारी से पढ़ो जल्दी जल्दी सवेरे को उठो खूब पढ़ाई पढ़ो फाइनल परीक्षा हो रही है बाबा विश्व के आगे बाबा प्रत्यक्ष होंगे और सारे विश्व एक दिन आपके नीचे झुकेंगे बोल के बात बताया पहले तो ब्राह्मणों के विश्व के आगे प्रत्यक्ष होगा या बाहर की दुनिया के विश्व में 500-700 करोड़ के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा तो उस समय वो विनाश का क्या होगा जिससे बाबा जिससे विनाश के आगे प्रत्यक्षता होती जाएगी उतनी विनाश होता जाएगा नहीं ऐसे बताया कि जितने भी मनुष्य आत्मा है 5.5 करोड़ पहले ही झुक जाएंगे और मान लेंगे कि हमारा बाप है विनाश का समय तो नजदीक भी है बाबा और अभी भी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है बाबा ब्राह्मण परिवार के बीच में भी अभी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है विनाश हो गया शुरू किया अभी शुरू है हो रहा है जैसे जब से एक शुरू हुआ तब से शुरू हुआ है जैसे उसके पहले संक्षेप करके पहले विनाश नहीं होता था तो ये सब रिहर्सल चल रही है अभी तो अभी फाइनल विनाश भी शुरू नहीं हुआ और फाइनल स्थापना भी नहीं हुई फाइनल स्थापना होगी फाइनल संगठन नया संगठन नई दुनिया का बन जाएगा तो विष्णु का राज्य होगा या शंकर जी या ब्रह्मा जी का राज्य होगा विष्णु का चर्चा होना चाहिए विजय माला के मन के ना जो शरीर छोड़ेंगे तो वो क्या सारे थोड़ी शरीर छोड़ेंगे वहाँ विजय वाला मन विजय माला के मणकों को शरीर छोड़ना पड़ेगा सभी को विजय माला के मणके शरीर छोड़ेंगे तो फिर राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म कहाँ से होगा तो जो बड़े अगर विजय माला के मणके सारे ही शरीर छोड़ देंगे तो राधा कृष्ण का जन्म कहाँ नारायण से होगा क्या नारायण तो रुद्रमाला का मणका है नारायण जैसे और भी हैं जो रुद्रमाला के मणके हैं विजय माला के शरीर ना छोड़ने वालों की कोई मिसाल है जो शरीर छोड़ने वाले और शरीर ना छोड़े कई हमने क्वेश्चन किया कई ब्रह्मा कुमारियों ने जो विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे जीते जी वो शरीर नहीं छोड़ेंगे विकारों पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा जैसे कई ब्रह्मा कुमारी का क्वेश्चन है कि जैसे कि ब्रह्मा बाबा थे जब तो सब ऐसे कहते थे कि ये रहेंगे फिर वो अचानक शरीर छोड़ दिए और आप लोग भी ऐसे ही बोलते कि ये रहेंगे इसी शरीर से तो क्या गारंटी है मुरली में क्या बोला है तुम तो झूठ बोलते हो मुरली में तो बोला है ये ब्रह्मा खुदान खासा चला जावे तो जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम तो बोला कि नहीं कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा पहले से ही इशारा दे दिया नहीं रहेगा भारतवर्ष में शादी करते हैं स्त्री को कह समझते हैं हमारी जूती है एक जूती गई दूसरी लेते हैं दूसरी तीसरी चौथी तीन चार शादियां भी कर लेते हैं ये भी पुराना तरह है ना इशारा दिया कि नहीं क्या इशारा दिया ये पुरानी जूती है तो ये छूटेगी कि नहीं छूटेगी तो बाबा ने तो मुरलियों में ही बोल दिया कि ये सदाकाल नहीं रहेगा सदाकाल तो इस धरती पर एक शिव बाबा ही है कंचन का ही हुआ ना जैसे किसी ने कहा कि जिस तन में बाबा की प्रवेशता है
तो वो तन में ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये रोग है, अरे शुगर है, हाथी है, घोड़ा है, वो ब्रह्मा में नहीं था सब, नहीं था वो शरीर छोड़ दिया ना, तो क्या हुआ शरीर छोड़ दिया, कोई जरूरी है कि जो बीमार आदमी होता है वो चंगा नहीं हो सकता? अरे यौवन की महिमा ही क्या हुई, अगर बीमार आदमी चंगा ना हो जाए, बीमारी होगी तभी तो चंगा होगा। अगर किसी को बीमारी ना हो, निरोगी काया हो, फिर उसको योग सिखाया जाए तो योग सीखने का फायदा क्या हुआ? वो तो है ही कंचन काया। और एक सेकंड के लिए कहा ना ब्रह्मा की विष्णु एक सेकंड, और कंचन का जो इसे सपनान कथा में भक्ति मार्ग में कहा कि बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल की हुई, तो फिर कंचन महल ये शरीर में जो अनेक रोग है ये एक साथ ही ठीक होकर के व्यवस्थित बिल्कुल देवता का स्वरूप बन जाए, उसी के लिए बोला ना ब्रह्मा की विष्णु नहीं बनेगा। अभी थोड़े दिन पहले ना वहाँ दिल्ली से एक फोन आया था, तो जो राम बाप के शरीर का जो पाठ चल रहा है उसी नाम से किसी ने शरीर वहाँ फरुखाबाद में पता नहीं छोड़ा कि नहीं छोड़ा, तो सारी मुरलियों में निकाल दिया ये कि और ना तो जाने कितनी बार मुरलियों में निकाल दिया, शंकर मर गया। हाँ जी हाँ जी, वही नाम से नाम क्या होता है निकाला, कि दिल्ली में मेरे को बुलाया गया, बोला कि देखिए आप तो कह रहे थे वो अमर है और वो तो शरीर छोड़ दिया, कि मैं तो बिमला माता के उस दिन मेरे पास तो हमने कहा फोन आया, फोन आया, फोन आया, बोला कि आप तो कहते हैं वो अमर है, उसको शरीर छोड़ दिया, आपको मालूम ही नहीं है, मुरली में निकल गया, निकल गया। हाँ जी, और मुरली में तो सबको झूठ भी डाल देते हैं, कटिंग भी कर देते हैं, हमने कहा पूरे इतने बड़े बड़े चित्रों को ही उड़ा देते हैं। वही मुरली क्या मुरली है, वो मुरली तो उसे कहा जाता है जो मुख से भगवान के मुख से चलाई है, उसको मुरली कहा जाता है, कागज के पत्ते उतोरे मुरली कहा जाता है। मैसेज में दिया हुआ नीचे मैसेज जो होता है ना, मैसेज जो होता है वो भगवान की मुरली है क्या? नहीं फिर दे डाली और लिखी है वो कुछ भी लिखो, जो मुरली तो एक तरह का अखबार है ना, वो तो अखबार छापते हैं, और दुनिया वालों ने भी तो अखबार में छापा दिया, तो कंपनी में ऐसा पार्ट चलता है वैसा करता है, ऐसा करता है वैसा करता है, तो फिर देखे वो अखबार भेजे तुम्हारा अखबार प्रमाण का मालिक। मुरली जो साकार मुरली अभी चल रही है ना बाबा, तो ब्रह्म कुमारी लोग निकालते हैं, तो वो मुरली जो कटिंग होकर आ रही है, तो स्टार्टिंग से कटिंग हो रही थी ना, या अभी स्टार्टिंग से क्यों कटिंग होगी? जब ब्रह्मा और मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो अपने मन के मुआफिक जो चीज है तो छापेंगे, जो अपने को तोड़ने वाली बातें हैं वो उड़ा देंगे, इसलिए जो कटिंग करके जो छपाते हैं ना, तो इसे कैसे पता चल जाता है कि ये कटिंग हो गई चला है, क्योंकि वो ओरिजिनल मुरली भी तो गायब कर देंगे ना, वो गायब कर दे तो जो गीता पाठशालाओं में सेंटरों में जो मुरलियाँ पहुँच चुकी हैं और व्यक्तिगत लोगों के पास जो मुरलियों की काफी पहुँच चुकी है वो नहीं मिलेंगी, वो भी तो वो लोग के सेंटर में ही होंगे, जैसे अभी हम लोग के यहाँ पर नेपाल में उनके पास मुर्लियाँ नहीं पहुँच रही है, जैसे मतलब बारह एकर जब नेपाल में हमारा एडवांस पार्टी जब से शुरुआत हुआ था, तो उससे पहले सभी भाई बहनों को घर में ले जाकर मुरली पढ़ने के लिए देती थी ब्रह्म कुमारी, तो जब से एडवांस पार्टी इधर शुरू हो गया उससे वो लोग ने ये बोलना शुरू कर दिया कि जिसको भी मुरली पढ़ना है वो क्लास में सेंटर में आके पढ़े और घर में ले जाने का कीमत नहीं है, तो इस रीति से जैसे वो लोग भी जब कटिंग मुरली निकालने शुरू कर दिए तो सबसे पहले उसका मास्टर को भी तो वो लोग रखा, उन्होंने जो डायरेक्शन रिले किया कि मुरली यहीं आकर के पढ़नी है, किसी को घर में पढ़ने के लिए नहीं दी जाएगी, वो बाद में शुरू किया या पहले से ही चल रहा है? सन 76 के पहले ही शुरू किया, सन 76 से एडवांस पार्टी शुरू, सन 76 से पहले ही उन्होंने कटिंग करना शुरू कर दिया था या बाद में कटिंग करना शुरू किया? बाद में नहीं, कटिंग पहले से ही करना शुरू कर दिया, बाप की प्रत्यक्षता हुई। लेकिन उनकी जो मुआफिक बातें हैं, झूठा आदमी होगा तो अपने मुआफिक बातों को छापेगा, जो उनके मुआफिक नहीं है उन बातों को उड़ा देगा, झूठा है ना, बाप के प्रत्यक्षता होने से पहले ही काटना शुरू कर दिया। गुजर नदी का ना एक ऐसा डायरेक्शन इधर किसी के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि जब तक आपका बाबा और दादी प्रकाश बनी फेस टू फेस बैठ करके मुरलियों के बारे में, अरे बाबा की तो बात छोड़ो, जो बड़ी मम्मी है उनकी माँ पुष्पा माता
वो शुरुआत में ही 1978 की बात है लगभग, वो दोनों गई थी, मम्मी तो छोटी बच्ची थी 10-11 साल की, उसकी तो बात छोड़ो, वो तो कुछ जानती भी नहीं थी। पुष्पा माता जिनमें ज्यादा ज्ञान उतना नहीं है, वो गई थी बात करने के लिए, तो उसको तो मना कर दिया, तुम बात मत करो। छोटी मम्मी ने बात की से, तो आधा घंटा बड़ी मुश्किल से बैठी, तो कहती है मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ। बाप से मिलना चाहती है, हम भी देख रहे हैं, जब बोला कि तुम लोगों से क्या बात कर रहे हो, बाप से मिलना चाहती है, लेकर के भेजे ना, क्या मिलना चाहते हैं, फिर उनके मिलने का प्रबंध किया जाए। डरते का ही है, गुलजारा जी ने कह रहा था कि ये बात सब सेट हो जाएगी, सेट हो गई। और एक मंच पार्टी का ना 2000 का अगस्त में आया था, एक मंच पार्टी ऐसा ऐसा है, आगे की जन्मावती मालूम है, आने वाला जन्मावती मालूम है, और ऐसा कुछ ये एक मंच पार्टी बोल के अगस्त गाने में आया था, किसके बाद बोला बात तो नहीं, क्या कहा है बाद में पीछे का भी मालूम हुआ, और अभी नहीं मर गए, ऐसी खुशी होगी तुमको, तो कौन सी खुशी है, वरना तो मैं इसका शांति के में था, जब एडवांस पार्टी में आए तो तुमको खुशी नहीं मिली, तुमको खुशी मिली मैं सब तो छोड़ के आई, हाँ फिर पूछ के हो रही बाबा इसलिए उनको खुशी हुआ, इसलिए सूक्ष्म शरीर की बात और सूक्ष्म वतन की बात तो उंगलियों में कितनी बार हुआ, अभी सूक्ष्म बटन कुछ होता ही नहीं, सूक्ष्म बटन क्या होता है, कुछ भी नहीं, जैसे स्वप्न देखा है, साक्षात्कार किया, कोई स्थूल में सूक्ष्म बटन थोड़ा ही होता है। राधा कृष्ण का जन्म तो ये लोग भी होगा बोलते हैं, राधा कृष्ण का जन्म तो ये लोग भी होगा बोलते हैं, और तो किससे होगा, कैसे होगा, तो बताओ, ये बताते हैं कब होगा, उन्हें मालूम ही नहीं है, बताएं कहाँ से, तो 8 नारायण जो है लक्ष्मी बनने की इरादा है, सारे बोलते ये राजा बनेंगे, वो लोग डिस्कस करते ना हम लोग, ये गुजरा दादी, दिल्ली दानी की दादी, लक्ष्मी दादी ना, बोलती ये सब राजा बनेंगे, इनकी रानी बनेंगी, कौन बनेंगे रानी, आपस में हाँ। दादी दादी है नी आपस हाँ। में ये आपस में राजा रानी बनेंगे हाँ। तो साफ साफ मैं आपसे पूछूंगी, प्रकाशमणि दादी, गुजरा दादी, जानकी दादी, निर्मलचंद्र दादी जैसे ना, तो ये स्त्री चोर बनने वाले में है या रानी बनने वालों में है या जन्म लेने वालों में, कुमारका दादी शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा बाबा की नजर में सबसे जाती खातरी किसकी होती थी, कुमारका दादी, और ब्रह्मा बाबा की नजर में सबसे जाती जिम्मेवारी किसके ऊपर सौंपी जाती है, तो भाइयों में विश्वकिशोर ये जोड़े, और कन्याओं में कुमारका दादी, ये बाबा के तो जो क्या नाम वो ज्यादा अजीज हो गए ना, तो वर्षा किसको मिलेगा, वर्षे की शूटिंग किसके लिए हुई, वही राजकुमार, वही राजकुमारी हो गए, और उनको इस बात का फखर भी है कि यहाँ भी बाबा हमको देखे गए और वहां भी हमको देखे जाएंगे, लेकिन ये बात बुद्धि में नहीं आई कि ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा ऊंचा कोई और पद है, वो बुद्धि में बात नहीं आ पाई कि नर से नारायण बनना ऊंचा पद है, नर से प्रिंस बनना नंबर दो का पद है, दुनिया हो जाएगी सबसे उसने बनाई, हाँ जी हाँ जी दादा,
सुना था एक बार सबको अनिश्चय बुद्धि आ जाएगी। अनिश्चय बुद्धि क्या आत्मा का और मम्मी और 108 का सबका आएगी या डर जब जगन्नाथ की दो भुजाएं हैं वो ही कट गई। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ की भुजाएं हैं दो, दाई ओर की और बाई ओर की, जो खास भुजाएं होती हैं वो ही कट गई। जो ज्यादा सहयोगी दिखाए जाते हैं वो ही कट गए, तो और कौन बचे? इसका मतलब 108 का भी अनिश्चय बुद्धि नहीं आएगी? नहीं आएगी कि आएगी? 108 का भी अनिश्चय बुद्धि आएगी? आएगी हाँ। और 16,000 का भी आएगी? हैं? 16,000 को तो आएगी ना? 16,000 को तो आएगी, उनमें दास दास ही बनने वाले ढेर सारे। आठ माला का तो नहीं आएगी? आठ माला, आठ की माला, हाँ अष्टदेवों को, हाँ अष्टदेवों को तो नहीं आएगी। अगर अष्टदेवों में भी कोई नीचे नंबर के होंगे तो उनको भी थोड़ा बहुत आ सकता है, ऐसे थोड़े समय के लिए। मम्मी और देवगंगा, ओ तो अष्टदेव में भी नहीं है अभी, उनको आएगी या नहीं आएगी? अरे अष्टदेव ऊँचे या दूसरे देवता ऊँचे? अष्टदेव दूरी वंशी है, दूसरे देवता है, दूसरे दूसरे वंश है। तो मतलब मम्मी का और दिव्यंती बहन का अनिश्चय बुद्धि नहीं आएगी? राम जी बहन के लिए थोड़े ही बोला गया उनको अनिश्चय बुद्धि आएगा। अनिश्चय बुद्धि मालूम है उनको आता है? जो इम्प्योरिटी वाले होते हैं उनमें आती है अनिश्चय बुद्धि, या जो पवित्र बुद्धि होते हैं उनमें अनिश्चय आता है? तो जो वैष्णो देवी का पार्ट होगा उसमें अनिश्चय बुद्धि आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी मम्मी को? मम्मी जो मम्मा बड़ी मम्मी है उसको तो महाकाली का पार्ट है, जगदम्बा को तो महाकाली बनना पड़ता है, पड़ता नहीं वो तो प्यार से बनती है, बन के दिखाऊंगी। उसको अनिश्चय बुद्धि आएगी या नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? आएगी, आपको आएगी। मेरे को आएगी तो बड़ी बात नहीं, ये नहीं पूछती कि ऐसा क्या होगा जो सबको अनिश्चय बुद्धि आ जाएगी। ऐसी क्या बात हो जाएगी जो की बड़ी मम्मी सारे आठ भी? अभी जो अनिश्चय बुद्धि आ रही है कोई को आती है कोई को नहीं आती है, क्यों? क्योंकि अभी जो प्रकृति है, प्रकृति माता है जिसको हम जगदम्बा कहते हैं, वो एडवांस पार्टी में सहयोगी रही। क्या? प्रकृति के जो पांच सिर हैं वो रावण के पांच सिर दिखाए जाते हैं, रह जाते हैं ना, तो माया ही अभी तक अपोजिशन कर रही थी। माने पांच विकार जो रावण के सिर हैं वो अभी तक अपोजिशन कर रहे थे, और जब मंदोदरी के भी पांच सिर हैं रावण के सहयोगी बन जाएंगे तो ताकत दुगनी हो जाएगी कि नहीं? अनिश्चय कंपिल में जाना की इच्छा है, है ना, इच्छा है, तर हमारा स्वामी कमजोरी थे इसको पता भी नहीं हुआ, उसका दूसरा उपाय है। उनकी कंपनी में दोबारा भर्ती करने की इच्छा है, दोबारा लेकिन एक फूल नहीं निकाल पाई, हमारी कमी कमजोरी है, तो उपाय है मैं दोबारा जा सकूँ? जा तो सकते हैं, तो उधर में सेवा करने के लिए जाना चाहते, जा सकते हैं पूरी सेवा के लिए, बाकी ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ जाना नहीं हो सकता है। जा तुम दो चार फूल निकालोगे तभी तो मैं कंपनी को घुसने दिया जाएगा, कोई बात नहीं, सेवा के लिए तो माताओं की कमी है, कन्या है तो ढेर सारी सरेंडर हो जाती है, माता है तो मुश्किल से निकलती है, क्यों कोई न कोई बंधन में होती है। और जो इक्वलिटी पार्टी और जो अभी माताओं में शादी दीदी लोग हैं और इतने से जैसे अभी दादी लोग भी शरीर से छोड़ेगी, शरीर छोड़ने के बाद फिर दोबारा जन्म छोड़ेगी कि छोड़ रही है? छोड़ रही है और भविष्य में भी छोड़ेगी, होगी अभी तो रही बची है वो भी छोड़ेंगे, तो अभी जो और जो बचे होंगे जो फिर प्रैक्टिकल पार्टी जो में रहेंगे
एडवांस के जो प्रैक्टिकल पार्टी है तो वो सब तो इधर रानी क्वालिटी के हाथ में है विजय माला की। हाँ जी हाँ जी, प्रैक्टिकल पार्टी वाले। तो जैसे अभी जो इंस्पायरिंग पार्टी वाले जो जितने भी जैसे विश्व किशोर बाबू नायक के जो आत्मे हैं वो तो बहुत पुरुषार्थी और सेवाधारी तो ज्यादा रहे हुए हैं ऐसे अभी एक जन्म के हिसाब से। तो वो लोग का स्थान ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी सोचते थे या दुनिया वाले पूछते थे कि इतने बड़े 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 ऋषि मुनि महात्मा हजारों साल उन्होंने तपस्या की वो नहीं भगवान को पहचान पाते, वो उच्च पद नहीं पाएंगे स्वर्ग में। आइए कल की निकली हुई छोकरियां ये ऊंच पा जाएंगी, इन्होंने भगवान को पहचान लिया। ऐसे यहाँ भी बात लागू हो रही है क्या कि जो वहाँ विश्व किशोर बाबू विश्व रतन दादा या कोई भी जो भी चलने वाले थे वो किसके डायरेक्शन पर चलते थे? गधा है, बहुत मेहनत करता है, सुबह से लेकर के शाम तक कितनी मेहनत करता है, कितना वजन ढोता है, लेकिन बेचारा गधा कहा जाता है ना? रात को भैंस की बची हुई घास उसको डाल दी जाती है, वो भी खा जाता है, फिर चार साथी तो उस पर उसे मिलना चाहिए या दूसरों को मिलना चाहिए? क्या उसकी गलती क्या है? असली बात को नहीं पहचान दूसरे का अधिनियम। जैसे गधा है कुमार के डंडे के नीचे चलता है, ऐसे ही विश्व किशोर हो चाहे विश्व रतन हो चाहे कुमार का दादी हो या गुजरात दादी हो ये ऊंच पद इसलिए नहीं पा सकते हैं क्योंकि इन्होंने बाप को नहीं पहचाना, ब्रह्मा को सहयोग दिया यदि के आज से ही और बाप को लात मार दी सकते। आदि से ही बात लागू होता है।